राज्य स्तरीय दो दिवसीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन धार में दिनांक 29-30 जुलाई को आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पीथमपुर के खिलाड़ियों ने कुल 21 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 5 रजत, 1 कांस्य शामिल है। प्रतियोगिता में कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पीथमपुर धार पहले स्थान पर, खंडवा दूसरे स्थान पर, उज्जैन तीसरे स्थान पर रहा। संस्था स्वर्गीय श्री पूनाजी ठोसरे बहुउद्देशीय कल्याण समिति द्वारा संचालित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर धार जिले का नाम रोशन किया। दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के 8 जिलों ने भाग लिया। कठिन मुकाबलों में नन्हे खिलाड़ियों का हौसला देखते ही बनता था। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मुझे बड़ा दुष्कर लग रहा था, बहुत कठिन लग रहा था कि इसको मैं कैसे संपन्न करूंगा, लेकिन माननीय बुंदेला जी, जयंत राठौर और हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष नन्हे भैया और इन लोगों ने हमें सहयोग दिया, जिससे हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। आपका नाम? धीरेन्द्र जायसवाल। देखो, जो आज का जो आयोजन था, निश्चित तौर पर मैं एक घंटे से सारे बच्चों का गेम देख रहा था। निश्चित तौर पर जो प्रयास जो है इस माध्यम से कि हमारे जिले का, प्रदेश का और देश का नेतृत्व करने वाले बच्चे हैं, जिस प्रकार उनका उत्साह और ये देखने को मिला, निश्चित तौर पर वो सब बधाई के पात्र हैं। इससे हमारे जो है, हमारे बच्चों के साथ साथ मैं पेरेंट्स का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो आज के युग में जो पढ़ाई का जो युग चल रहा है, जिसमें कंपटीशन का युग है, उसमें भी वो गेम्स में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो बच्चों के साथ साथ उनके सारे पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में ये हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आपका नाम? कुलदीप सिंह बुंदेला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।